एप्पल हर किसी को पसंद है एप्पल। प्यारे प्यारे सेब, हरे सेब, लाल सेब। और देखो भाई, आ चुके हैं हम सेब के बाग में, जो कि पड़ता है मनाली से थोड़ा सा पहले। जगह का नाम है कन्याल। मनाली से करीब 2-3 किलोमीटर पहले ही रोड के लेफ्ट साइड में करीब 500 मीटर अंदर जाकर ये गार्डन पड़ता है, एप्पल ऑर्चिड फार्म। और मनाली के अंदर ये बहुत ही कॉमन है, आपको जगह जगह कुल्लू में देख लो, मनाली में देख लो, कसोल में देख लो, उसके आसपास सेब के बाग मिल जाएंगे। और चलो, बाग तो दूर की बात है, अगर आप यहाँ किसी अंदर लोकल्स में भी जाते हो तो घर के चारों तरफ 2-4-5 पेड़ सेब के आपको जरूर नजर आ जाएंगे। और भाई, कितना खूबसूरत लग रहा है देखकर। एप्पल हम मार्केट से लेकर खाते हैं, लेकिन अगर एप्पल फार्म में आकर आपके सामने एकदम ताजी ताजी पके हुए सेब नजर आए और आपको खुद सेब तोड़कर खाने का मौका मिले, तो उसकी फीलिंग ही कुछ और होती है। मनाली का मौसम हमेशा ठंडा ही रहता है। और सामने देखो, शिलोंग से मनाली सामने नज़र आ रहा है। और ये जो आपको छोटे छोटे सामने जो पेड़ नज़र आ रहे हैं, इनमें ज़्यादातर सेब के पेड़ हैं, इतनी दूर से नज़र नहीं आएगा। बट नीचे जो होटल्स हैं, होटल्स के चारों तरफ बहुत ही कॉमन है यहाँ पर। शिमला के अंदर भी सेब के पेड़ हैं, किन्नौर में हैं। किन्नौर का सेब सबसे बढ़िया माना जाता है, एकदम मीठा रसीला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मनाली के सेब अच्छे नहीं हैं। यहाँ पर हर टाइप की वैरायटी सेब की, जितने भी टाइप के वैरायटीज होती हैं, सब मिलती हैं। और आप देख सकते हो छोटे छोटे पेड़ ये लगे हुए हैं सामने सेब के, और वो जो नजर आ रहे हैं थोड़ा सा और पास जाते हैं, सभी में सेब लगे हुए हैं। और ये देखो भाई, ग्रीन एप्पल। ग्रीन एप्पल फर्स्ट टाइम मैंने मनाली में ही खाया था, उसके बाद से मैंने मार्केट से लेना स्टार्ट किया। भाई जैसे ही आप ग्रीन एप्पल में एक बाइट मारते हो, बिल्कुल एकदम ऐसे लगता है कि कई मुंह में पूरा जूस आ गया है, एकदम सॉफ्ट और बहुत ही बढ़िया टेस्ट। और इस टाइम मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, ये जुलाई के मौसम में वीडियो शूट हो रही है। साइड में आप देख सकते हो होटल्स हैं। और देखो, जितने भी पेड़ हैं, जून जुलाई के अंदर तकरीबन सारे एप्पल तैयार हो जाते हैं यहाँ पर। अभी जुलाई का टाइम चल रहा है और जुलाई में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं। आया था यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ, वो वीडियो मैंने अलग से डाली हुई है, मनाली में हम कहाँ कहाँ घूमे, क्या क्या किया। लेकिन इस वाली वीडियो में हम बात कर रहे हैं सिर्फ सेब की। जिस भी पेड़ में देख लो भाई, बिल्कुल लदे हुए हैं सेब के पेड़। ये देखो, ये सामने जो नज़र आ रहे हैं आपको, और जो इनकी हाइट है पेड़ों की, वो तकरीबन 8 से 10 फुट की हाइट है, और पूरे सेब भरे हुए हैं। ये देखो, जहाँ भी नज़र जाएगी वहाँ पर सेब के पेड़, और सारे पेड़ सेबों से लदे हुए। ग्रीन एप्पल, रेड एप्पल, जो भी आपको पसंद हो। थोड़ा सा अंदर चलते हैं सेब के बाग में। देखो भाई, अंदर जा रहे हैं, आपकी जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक सेब के पेड़ लगे हुए हैं। वो देखो, दूर दूर तक जहाँ भी आप देखोगे सिर्फ सेब के पेड़। और ये देखो भाई, इतने सारे सेब, मुंह में आ रहा है बिल्कुल पानी। हालांकि मैं यहाँ से सेब तोड़ के खा चुका हूँ, आप भी आकर अपने हाथों से सेब तोड़ सकते हैं यहाँ पर। जिनका गार्डन है उनसे बात करके कि आपको सेब चाहिए। भाई मेरे को तो फ्री में ही दे दिया, मेरे से कोई पैसे भी नहीं लिए सेब के। और ये वाला पेड़ देखो, ये पेड़ सूख गया है, लेकिन सेब इस पर आपको नज़र आ रहे होंगे लगे हुए। देख के लग रहा है कि ये सारे सेब, मतलब पेड़ भी सूख चुका है। कैसे सूखा, क्यों सूखा, वो तो नहीं पता, लेकिन देखो सेब लगे हुए हैं इसके ऊपर, पत्ते इसके सारे सूख चुके हैं इस पेड़ के।
और सेब ज़्यादातर ऐसी ही जगह पर होता है जहाँ का मौसम ठंडा होता है, गर्म मौसम में नहीं होते। और मनाली का मौसम ज़्यादातर ठंडा ही रहता है, 20 डिग्री 22 डिग्री गर्मियों में भी। और इस टाइम भी मैं यहाँ पर अगर घूम रहा हूँ तो मैंने एक हल्की वाली जैकेट डाल रखी है, और बिल्कुल एकदम मौसम एकदम ही प्यारा मौसम, और चारों तरफ एकदम ग्रीन ग्रीन यहाँ से बाहर नज़र आ रहे हैं, और बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब आप वीडियो में देख रहे हो, लेकिन अगर एक्चुअल में आप यहाँ पर खड़े होकर देखे तो वो सामने का व्यू देखो, बादल नज़र आ रहे थे, और एप्पल गार्डन के चारों तरफ बादल, पहाड़, और बहुत ही प्यारा मौसम, बहुत मज़ा आ रहा है भाई यहाँ पर।